अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल में मुस्लिम कोच द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ व आपत्तिजनक मैसेज भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक की शिकायत पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाप बेटे कोच को भले ही निलंबित कर दिया हो, लेकिन इससे जुड़ी तमाम मांगों को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज स्कूल गेट पर धरना दे दिया। इसे देखते हुए प्रबंधन ने गेट बंद कर दिया है, जबकि बाहर जागरण मंच कार्यकर्ता दरी बिछाकर बैठ गए हैं। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है। जिन गर्ल्स स्कूलों व जिम में पुरुष कोच और ट्रेनर हैं, वहां इस तरह की लव जिहाद की घटनाएं आम बात हो गई हैं। इसे रोकने के लिए गर्ल्स स्कूल व जिम में लेडी कोच व लेडी ट्रेनर की अनिवार्यता होनी चाहिए। बता दें कि बीते 18 सितंबर को स्कूल प्रबंधन से कोच अदन मिर्जा की शिकायत की गई थी। अभिभावक का कहना था कि बास्केटबॉल कोच सिखाने की आड़ में छात्रा से छेड़छाड़ करता है, इतना ही नहीं उसके मोबाइल पर गलत मैसेज भी भेजता है। इस पर बीते दिवस स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने एक प्रेस नोट जारी कर दोनों कोच को निलंबित करने की जानकारी दी थी। यह निलंबन भी 18 सितंबर का ही दिखाया गया है। प्रेस नोट में कोच का फेवर लेते हुए उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, सिर्फ दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोनों में कोच अदन मिर्जा व उनके पिता शहबाज मिर्जा शामिल हैं। आज हिंदू जागरण मंच ने स्कूल गेट पर धरना शुरू कर दिया। देखिए, इस सोफिया स्कूल में अधिकांश पेरेंट्स को तो मालूम ही नहीं है, बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, यौन शोषण सब बच्चों को कर रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है कोच द्वारा। सोफिया प्रशासन बेटी को हम पढ़ाते हैं पर बचाएं किनसे इनसे, ऐसे से कृत्यों से, इन पे भी लगाम तो लगनी चाहिए ना, हम बचाएं किससे। योगी जी कहते हैं एक चौराहे पे अगर कोई लड़की को छेड़खानी करेगा दूसरे चौराहे पे ये अपराध मिलेगा। जो विनोदा कार्य कर रहे हैं उन्हें कौन बचाएगा। उधर मंच के मेरठ महानगर संयोजक ललित गुप्ता ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह बताया। ये धरना इस उपलक्ष्य में दिया गया है। यहाँ पे एक दो कोच हैं, पहले थे पिताजी उनके जिनका नाम था मिर्जा साहब, एक धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे की भी एंट्री इसमें करा दी जिसका नाम है अर्द मिर्जा। इनके परिवार में एक पहले भी मर्डर का केस चल रहा है, बिना जांच पड़ताल के इन्होंने अपने बेटे की भी एंट्री करा दी। और दोनों ये कोच हैं, लड़कियों के कोच हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोच का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, लड़कियों का ग्रुप बाल ले जाते हैं, उसके बाद अश्लील मैसेज डालते हैं, ये दोनों विधर्मी हैं, उसके बावजूद दोनों को उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। जब पिता पेरेंट्स ने उनकी शिकायत यहाँ दर्ज कराई तो इस स्कूल प्रशासन ने उस आवाज़ को दबाया, कई दिन अपने अंदर फाइलों में दबा के रखा। जब हिंदू समाज या हिंदू जागरण मंच के लोगों को इस बात की जानकारी हुई, मीडिया को जानकारी हुई, तब इन्होंने कल उन दोनों को सस्पेंड कर दिया, दोनों अपने स्कूल से निकाल दिए गए हैं। लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, कहां कहां ये बच्चों को ले जाके इन्होंने कोच का सिखाया है, उसके बाद किस किस को इन्होंने SMS किए हैं, किस किस बच्ची के साथ इन्होंने गलत हरकतें की हैं, ये सब जांच का विषय है। और इसे निकालने से काम नहीं चलेगा, पुलिस ये सोफिया प्रशासन अपनी उनको निकाल के ये कहता है कि उनको निकाल दिया, जान ना बचाए। और जितने भी परिवार हैं जिन जिन के साथ ये हुआ है उनके पेरेंट्सों को इन्होंने डरा दिया है कि कोई भी बयान आप नहीं देंगे, ये हरकतें इस स्कूल की चल रही। इस बीच हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने firstbite.tv को भेजे संदेश में यह कहा है। सचिन सिरोही मेरठ से। मेरी संज्ञान में भी ये मामला आया है सोफिया का, कि जो लड़की है 7वीं कक्षा में, एक हिंदू लड़की पढ़ती है सोफिया में, और जो टीचर है, जो कोच है बास्केटबॉल कोच, वो मुस्लिम है, और उसने कुछ मैसेज वगैरह छात्रों करें, पेरेंट्स ने उस चीज़ का स्कूल में विरोध किया है, जिस पर कुछ दिन कुछ समय के लिए जो है उसे हटा दिया गया कोच को, और एक जांच कमेटी स्कूल ने अपनी बिठा दी है। मेरा मानना है इसके अंदर जिलाधिकारी मेरठ खुद संज्ञान लें इस मामले का, क्योंकि ये एक स्कूल का मामला नहीं है, इस तरीके के अधिकतर स्कूलों में
ये चलन चल रहा है। और जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, स्कूलों में जा रही हैं, वो एक सुरक्षित माहौल में हम लोग उन्हें पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। और वहाँ पर अगर इस तरीके की जो है कल्चर चल रहा है स्कूलों में, तो वो निंदनीय है, गलत है। और एक तरीके का सर्कुलर एक इशू करा जाए सभी स्कूलों के लिए कि जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए महिला टीचर ही रखी जानी चाहिए। ऐसे लोग जो गंदी मानसिकता के लोग और गंदी तरीके से हमारी बच्चों को देखते हैं, तो मैं कह रहा हूं ऐसे स्कूलों में पढ़ाने का हमारा कोई लाभ नहीं है कि हमारी बच्चियां जाएं। और वहां उन लोगों का कहीं ना कहीं लव जिहाद का भी शिकार इसी तरीके से हो रही हैं। अन्य स्कूलों में भी ऐसा चल रहा है, कई मामले आते हैं लेकिन वो दब जाते हैं, क्योंकि हिंदू समाज में मान सम्मान जो है सबको प्यारा, अपनी बेटियां और अपना परिवार। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को भी, मैं कह रहा हूं अगर इसमें स्कूल की भी खामियां हो, सर्कुलर इशू करो और स्कूल की खामियां मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।